हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो फास्टेस्ट रिवीजन होने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के हिसाब से हमने मेन बनाया है, पर बाकी सभी वनडे एग्जाम्स में ही यूज़फुल रहने वाली है। हम यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनके आंसर पता है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और बताइए आपका रिजल्ट कितना परसेंट रहा। और हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनको हमने एक्सप्लेन भी किया है, जो एक्सप्लेन करने लायक हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबा दें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी रोपड़। तो एक बार और क्वेश्चन को सुन लीजिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ दे सकता है, विशाल कोठार भी दे सकता है या फिर अनाज संग्रह करने का स्थान भी दे सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, मोहनजोदाड़ो। आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विशाल स्नान गृह ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदोड़ो, लोथल या हड़प्पा। यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ पूछ सकता है, तो विशाल स्नान गृह दे सकता है क्वेश्चन में या ग्रेट बात, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो भी मोहनजोदाड़ो है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी तंग और मैली, ऑप्शन बी चौड़ी और सीधी, सी तंग और टेढ़ी, डी फिसलन वाली। तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है, चौड़ी और सीधी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है ना। तो सवाल ये भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो किस तरीके से काटती थी, तो समकोण पर काटती थी, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसलिए एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या डी सिंध। ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध। तो मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के किस जिले में है, तो लरकाना जिले में है। मोहनजोदाड़ो की सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो 1922 में राखालदास बैनर्जी ने की थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया था कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बैनर्जी ने की थी। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है, ठीक है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका सिंध किस भाषा में मतलब है, तो सिंधी भाषा में, और मृतकों का टीला इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी ए व्यापार, बी कृषि, सी बढ़ईगढ़, डी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन। तो इसका जो ऑप्शन है वो कृषि होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आंसर देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि या पशुपालन था, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कृषि या पशुपालन दिया होता तो आप कृषि के बजाय कृषि व पशुपालन लगाते, ठीक है ना, क्योंकि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना होता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था, ये क्वेश्चन भी रहता है, सर्वप्रथम कपास किसने उगाया था, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने। इसके अलावा वे गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस आदि, ऊँट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब आगे चलते हैं, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर, इम्पॉर्टेंट तो इसमें जो भी है वीडियो में वो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हमने चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर ही वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ए हड़प्पा, बी सुतकाडोर, सी मोहनजोदाड़ो या डी लोथल। तो जो इसका आंसर है वो है हड़प्पा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्ष 1921 में, तो हड़प्पा 1921 में दयाराम सहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुआ, और 1922 में मोहनजोदाड़ो खोजा गया था रखालदास बनर्जी के द्वारा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये दो इम्पॉर्टेंट नाम और ईयर हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था, सिंधु सभ्यता के स्थानों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण इस सभ्यता का नाम
हड़प्पा सभ्यता रखा था, ठीक है ना। अब बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। तो अभी तक किसकी प्राप्ति नहीं हुई है, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। और सबसे एक सवाल ये भी आ जाता है कि सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया गया था, तो तांबे का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी है, लोहे की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, ठीक है, ऑप्शन ए इसकी लिपि चित्रात्मक थी, ठीक, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, या सी यह एक शहरी सभ्यता थी, या डी इसका विस्तार नर्मदा नदी तट तक था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका ऑप्शन सी है, यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए, अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अगर यहाँ पे अनार्यों की जगह आर्यों पूछ लेता तो आप ग्रामीण लगाते, ठीक है। अंत स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्रह प्रमाण है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास में कौन सी पद्धति अपनाई थी, ठीक। ए त्रिभुजाकार आकृति, बी गोलाकार आकृति, सी कमल पुष्प की आकृति, या डी ग्रिड पद्धति। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर है डी ग्रिड पद्धति, ठीक है ना। समकोण जो मैंने आपको बताया था वहाँ से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते थे अगर आपने उसको ढंग से सुना होगा तो। इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा बीच में, क्योंकि एक एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। काफ़ी छांट कर क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ग्रामीण, खानाबदोश, या जनजातीय, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ग्रामीण, खानाबदोश, या जनजातीय। तो सबको पता है शहरी थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे जबकि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जो मैंने बताया था अनार्य शहरी और आर्य ग्रामीण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम मैंने आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन बताया था, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं सीधा सीधा माउंट ऑफ डेट सिंध भाषा से, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बनावली, मांडा, सुरकोटदा, या कालीबंगा। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, बनावली, मांडा, सुरकोटदा, या कालीबंगा। तो इसका जो ऑप्शन है सी सुरकोटदा में मिले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ पर है, तो यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी, ठीक है ना। किसने करी थी, जगपति जोशी जी ने। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में है। ये PCS में सवाल पूछ लिया जाता है, वैसे PCS में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, और हर तरीके से इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 1964 में जगपति जोशी, यहाँ पर आपको सन याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किस जिले में था और किसने खोज करी थी वो इम्पॉर्टेंट है। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण है घोड़ों की अस्थितियाँ, एक अनोखी कब्रगाह। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए, घोड़ों की अस्थियाँ और अनोखी कब्रगाह कहाँ थी, तो सुरकोटदा में, और इसके खोज किसने करी, जगपति जोशी ने, और कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ जिले में। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, ए धर्म और दर्शन शास्त्र, बी आर्थिक और सामाजिक सुधार, सी शहर योजना प्रणाली, या डी सुंदर मूर्तियाँ। तो इसका ऑप्शन सी होगा, शहर योजना प्रणाली, क्योंकि सिंधु घाटी शहर योजना थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक। तो कालीबंगा से मिला है, या बनावली से, या रोपड़, या लोथल। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पॉज करके भी सोच सकते हैं इसका आंसर, और आप चाहें तो वीडियो को सुनते चले जाइए, स्किप कहीं मत करिए, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पर नॉलेजेबल मिलेगा आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं कालीबंगा में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये कहाँ पर है, राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में गंगानगर जिले में, और किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के किनारे। तो हड़प्पा से भी पूछ सकते, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया इसमें आप देख लीजिए, इस स्थल की खुदाई 1953 ईस्वी में बी बी लाल एफ बी के थापर द्वारा कराई गई, ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का शख्स कालीबंगा से ही मिला है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी बनावली, सी चनुदोड़ो, डी मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका जो आंसर है वो भी कालीबंगा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है। कालीबंगा से मिले मकानों के अवशेषों से पता चलता है कि सभी मकान कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, पर नाली और कुएं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर कुछ ईंटें अलंकृत पाई गई हैं। कालीबंगा एक फर्श पूरे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के घग्गर गंगानगर जिले में है और घग्गर नदी के किनारे है और यहाँ पर ही ये ईंटों के अवशेष पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो ये क्वेश्चन है सिंधु घाटी की लिपि थी द्रविड़ियन, ब्राह्मी, हड़प्पा या अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या है? तो इसका आंसर है डी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ऑप्शन वो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस ओर से किस ओर लिखी, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, इसी कारण सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चोहंदोड़ के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन है सर जॉन मार्शल ने, बी सर ओरल स्टीन ने, सी आर ई एम व्हीलर ने या डी जे एच मेके ने। एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। चोहंदोड़ के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन बी सर ओरल स्टीन ने, ऑप्शन सी आर ई एम व्हीलर ने या डी जी एच मेके ने। तो इसका आंसर है जी एच मेके ने। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जी एच मेके के निर्देशन में, नाम याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेके के निर्देशन में 1931 में गोपाल मजूमदार ने इस स्थल की खोज की थी। ठीक है, अगर ये पूछते हैं कि किसके निर्देशन में, तो गोपाल मजूमदार के में। ठीक है, यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में, ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अलंकृत हाथी या कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो चोहंदोड़ में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात या राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, सिंध प्रांत में स्थित है ये। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए घोड़ा, बी हाथी, सी शेर या डी गेंडा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है सी शेर, अवशेष सिंधु घाटी में सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, उसके शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन ओ, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शील पर तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, उनके चारों ओर जो चारों ओर के जानवर हैं उनके नाम दिए गए हैं। इसमें हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है, यानी कि इसमें शेर कहीं नहीं है, तो शेर ही ऑप्शन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है। कौन से चंद जानवर हैं? हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा। ठीक है ना, पशुपतिनाथ में। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, ये कहाँ पता चला है? लोथल में या धोलावीरा में, आलमगीरपुर में या कालीबंगन में। एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धोलावीरा में पता चला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। तो ये जो मिले हैं ये मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ए बुद्ध, बी नृत्य करती हुई बालिका, सी नटराज या डी नरसिम्हा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है ना फ्रेंड्स, वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर शख्स के लिए, चाहे जिन्होंने तैयारी कर चुके थे या जो कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी है। ठीक है ना, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए कर्मकांड में, बी मातृशक्ति में, सी आत्मा और ब्रह्मा में, डी यज्ञ प्रणाली में। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसका ऑप्शन है बी मातृशक्ति में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैधव समाज मातृ सत्तात्मक था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, किस सिंधु काली स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? ये फ्रेंड्स मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मोहनजोदाड़ो, लोथल, रंगपुलिया, चन्हुदोड़ो। तो इसका जो आंसर है वो है चन्हुदोड़ो। ये ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वही जे एच मैके ने निर्देशन 1931 में, गोपाल मजमूदार ने इसकी खोज करी थी, वर्तमान में पाकिस्तान जिले में सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन है सेम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान यानी विश्व संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए लोथल, बी तहमदाबाद, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदाड़ो। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो युगल सावधान या द्विश्व संस्कार। तो इसका जो आंसर है लोथल है, ये इसका प्रमाण लोथल से मिला है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देखिए लोथल से युगल सावधान का प्रमाण मिला है। यहाँ तीन युगमती समाधि के भी उदाहरण हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष सावधान के शाक्ष भी लोथल से ही मिले हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल सकता है कि स्त्री पुरुष सावधान के शाक्ष कहाँ से मिले थे? लोथल से। ये कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगावल नामक ग्राम के समीप स्थित है। खुदाई 1954 से 55 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ, लोथल में युगल सावधान का प्रमाण मिला है। ठीक है, यहाँ तीन युग में समाधि के भी उदाहरण मिले हैं। स्त्री पुरुष सावधान के शख्स भी लोथल से ही मिले हैं। कहाँ पर है ये? गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे सरगावला नामक ग्राम के समीप स्थित है। ठीक है, रंगनाथ राव द्वारा इसकी वो खोज की गई थी, खुदाई की गई थी 54 से 55 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए नीला, बी पांडू, सी लाल या डी नीला हरा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, लाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए लकड़ी, बी बांस, सी पत्थर, डी ईंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर ये पूछ लिया जाता है क्योंकि कभी कभी आसानों में ही गलती कर जाते हैं। तो इसका आंसर है डी ईंट। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ए पशुपति, बी विष्णु, सी वरुण, डी इंद्र। ये भी आसान है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था, तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर ए है, पशुपति। और चारों ओर किसकी मूर्ति है? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसे की। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नान गृह किस स्थल पर पाया गया है? तो ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बनावली, बी रंगपुर, सी कालीबंगा या डी सुरकोटदा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है, बनावली से मिला है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रारूप ऑप्शन। वो देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है, और किस नदी के किनारे है, किसने खोज करी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ एक मकान से धावन पात्र यानी वॉश बेसिन के शाक्ष मिले हैं जो किसी धनी सौदागर के आवास की ओर यानी घर की ओर संकेत करता है। यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल्का एक प्रारूप भी प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से, हरियाणा के हिसार जिले में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो सबसे पहले किस में हुई थी? 1921 में दयाराम सोहानी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी 1921। देखिए इसमें लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सोहानी ने किया। स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के मोटा गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना फ्रेंड्स,
आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये, इसका ऑप्शन बताइए, लोह युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग या डी पुरापाषाण युग। तो इसका आंसर है बी, कांस्य युग से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था। देखिए यहाँ पर आप उससे साइंस में भी क्वेश्चन, अगर आप इसे ठीक से पढ़ें तो ऐसा पूछा है कि कांस्य किससे बनता है, तांबे और टीन को मिलाकर, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो इस युग की प्रमुख धातु कांस्य ही थी, इसलिए इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए बनावली, बी दैमाबाद, सी राखीगढ़ी या डी रोपड़। तो इसका जो ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। वैसे इसका आंसर बी है, दैमाबाद। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हेल्प हो सके और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस से आपकी तैयारी और अच्छी करा सकें, ठीक है ना। और ये वीडियो हर किसी के लिए यूज़फुल है, चाहे वो UPPCS प्री में हो, चाहे UPSI की तैयारी कर रहा हो, वन डे एग्ज़ाम्स जो भी हैं वो सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप कुछ क्वेश्चन तो अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन से अगर आप एक्सप्लेनेशन सही से समझते हैं तो और अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगला पार्ट जल्दी देंगे जिससे कि आप की कंटिन्यूटी बनी रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।